मैक्सवामिका में साइनस का मैंने बताया था, मैक्सवामिका का यहां दोनों तरफ जब नजला जम जाए तो शदीद सरदर्द होती है, खासतौर पर झुकने से, और सजदे में बहुत ज्यादा बोझ पड़ता है यहाँ, वो साइनाइटिस साइनोसाइटिस कहते हैं इसको। इसमें नक्सवामिका की 1000 की रात को एक खुराक दी जाए तो वो गैर मामूली असर दिखाती है, और सुबह तक छींके में के आके वो खोल देती है या बाद में वो पिघला देती है, उसको नरम हो जाता है। तो इसके लिए नक्सवामिका चोटी की दवाओं में से है, वो एक ही नहीं और भी हैं, लेकिन शुरू इससे करना चाहिए। क्यों जी, हमारी आप बताएं। हैं? मुझे दी थी ना आपने, हाँ हाँ, ऑपरेशन के लिए उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन कर रहा है, ऑपरेशन कैसे निकालेंगे खुरच के जी, हाँ, फिर तो वो नेक्स्ट मामी का आपने दी थी ना वन था, हाँ, फिर पहले एक खुराक खाई उससे रिएक्शन हुआ, हाँ, फिर आपने मुझे दो और दी, ठीक ठीक है, तो उससे अल्लाह मेरा फजल आज तक मुझे देख लें जरा, और मैंने वही वही मौजूद है, वही नुस्खा अपनी भाभी पे किया इस्तेमाल, तो वो कहती बिल्कुल ठीक हूँ। जो तजर्बे में मेरे आ जाती है बात, वो ऐसी है जो दूसरों पे भी चलती है, क्योंकि जो तजर्बा करने वाला अगर यकीनी बात करे और खुशफहमी की बातें ना करे तो फिर वो हर जगह ठीक काम करती है। लेकिन हमारे होम्योपैथ मुसीबत यह है, खुशफहम बड़े होते हैं, दो तीन जगह किसी जगह दवाई लग गई तो तीर बहदफ कहना तो कोई बात ही नहीं ना, और शर्तिया इलाज और पैसे वापस, ये रुझान शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से होम्योपैथी बड़ी बदनाम हुई है।